खबर निवासी। करवा चौथ का त्योहार पति और पत्नी के बीच गहरे प्रेम को दर्शाता है, जिसमें पत्नी पति की लंबी आयु के लिए बिना कुछ खाए पिए करवा चौथ का कठिन व्रत रखती है। लेकिन रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र स्थित पचाखर गांव से आज इसके ठीक उलट ही कहानी निकलकर सामने आई है, जहां पर एक पत्नी पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। बीते दिनों पति और पत्नी के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पत्नी ने समीप रखा गर्म पानी पति पर उड़ेल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। इस दौरान पास ही खड़ा उनका 4 वर्ष का नाती भी आंशिक रूप से झुलस गया। बुरी तरह झुलसे पति को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद श्याम सुंदर को गंभीर हालात में परिजन तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां उनकी हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने संजय गांधी अस्पताल रीवा के लिए रेफर कर दिया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। घटना के 8 दिन बाद पुलिस को हुई जानकारी, घटना के 8 दिन बाद बीत जाने के बाद भी पीड़ित श्याम सुंदर तिवारी की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका उपचार संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा था। घटना दिनांक को परिजनों ने इस घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी थी। एक दिन पूर्व स्थानीय लोगों से जानकारी मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची, जिसके बाद पीड़ित के बयान किए गए। पीड़ित श्याम सुंदर तिवारी ने अपने बयान में पत्नी के गर्भ द्वारा गर्म पानी डालकर जलाने की जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने आरोपिया पत्नी के खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज कर और आगे की जांच में जुट गई है। घरेलू विवाद घटना का कारण बन गया। नहीं, चेहरा क्या, देखो चेहरा, तुम लोग देख ही रहे थे। हाँ, ये करीब 2-2.5 साल पहले से ये एसएफ का जवान और वो एक महिला जी थी, आपस में संपर्क में थी। फेसबुक के माध्यम से इनकी आपस में दोस्ती हुई, दोस्ती के दौरान फिर कुछ चर्चा वगैरह चली, मिलना जुलना हुआ इनका। इसके बाद उस महिला की शादी हो गई, शादी के बाद फिर उसकी ऐसी तरह से बातचीत होती रही, बीच में जवान आया भी और उसने फिर कह के वो बीएड का जो तुमको कराना है, मेरे पिताजी हैं और वो तुमको कम पैसे में करा देंगे। इस तरह से बातचीत वगैरह हुई, संपर्क हुआ, संबंध हुआ और उस संबंध के बाद में लगभग इसकी फिर 1-1.5 साल तक बातचीत बंद रही। इसके बाद वो जो जवान था ऐसा का, उसका कहना था कि आप मेरे साथ रहो, आप मेरी शादी कर लो, अपने पति को छोड़ दो, तलाक कर लो, मतलब बहुत सारी चीज़ें बातचीत में आई। फिर उस महिला ने मना कर दिया, तो उसके बाद उस एसएफ के जवान के द्वारा उस महिला के साथ के जो अपने कुछ फोटोग्राफ थे उसको पति को शेयर कर दिए, उसके रिश्तेदारों को भेज दिए। इस पर से महिला ने जब रिपोर्ट की, उस रिपोर्ट पर के पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया, जिसमें 376 और आईटी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ। दर्श अधिकारियों के निर्देश पर जबलपुर पुलिस की मदद से आरोपी को भी अगर रक्षा में ले लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ऐसे जवान कहाँ से रहने वाला है? एसएफ का जवान जो है वो अभी 6th बटालियन एसएफ जबलपुर में पदस्थ है और उसको विधिवत रूप से